Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to see 7th standard English medium, chapter number 2, page number 14, explanation, right? So let's start with the explanation part. Carefully observe a fully opened hibiscus flower, ठीक है? ये जो hibiscus flower है, इसको carefully observe करिएगा, ठीक है? फ्लावर में हैव अ लॉन्ग और अ शॉर्ट स्टाक कॉल्ड पेडिसेल, ठीक है? ये पेडिसेल है जो लॉन्ग या छोटा भी हो सकता है, बड़ा या छोटा भी हो सकता है, ठीक है? वन एंड ऑफ द पेडिसेल इज अटैच्ड टू द स्टीम, ठीक है? ये पेडिसेल जो है उसका एक एंड जो है स्टीम से जुड़ा हुआ होता है, हाँ? द अदर एंड ऑफ द पेडिसेल इज एक्सपांडेड एंड स्वॉलन, ठीक है? एक्सपांडेड है वो, बड़ा हुआ है, और सॉलिन बेंड हुआ है, ठीक है? एक तो बड़ा हुआ है, एक्सपांडेड है, और दूसरा सॉलिन मतलब वो खुला हुआ है, ठीक है? खुल जाता है वो, हाँ, ठीक है? इट इज कॉल्ड द रिसेप्टिकल, क्या उसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल बोलते हैं, हाँ, जो खुला हुआ पार्ट है ना उसको रिसेप्टिकल बोलते हैं। पेटल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर सपोर्टेड ऑन द रिसेप्टिकल, ठीक है? रिसेप्टिकल जो है, जो खुला हुआ चीज़ है, सॉलिन चीज़ है, उस पर जो कनेक्टेड है ये पूरे, इसे क्या बोलेंगे? और जो बाकी सारे पार्ट्स है वो कहाँ पे कनेक्टेड है? रिसेप्टिकल्स पे कनेक्टेड रहते हैं। क्लेक्स, ठीक है? जो क्लेक्स है, देखो ये क्लेक्स है, राइट? कोरोला, एंड्रोक्सियम, गेनोक्सियम आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। देखो ये है पेडिसिल, ये ओवरली है, ये क्लेक्सी है, ठीक है? ये फ्लेमनेंट है, एंथर है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ये कोरोला है, ये, ठीक है? क्लेक्सी, इन द बर्ड कंडीशन द पेटल्स आर कवर्ड बाय लीफ लाइक पार्ट्स कॉल्ड स्पिल्स विच आर ग्रीन इन कलर, दे फॉर्म द क्लेक्सी, ठीक है? क्लेक्सी क्या है? देखिए वो बर्ड्स है और उसके अंदर ये जो बर्ड लाइक मतलब एकदम थिक वाला पार्ट होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें जुड़ी रहती है, उसे क्लेक्सी कहते हैं, ठीक है? कोरोला, दिस इज मेड अप ऑफ कलरफुल पार्ट्स कॉल्ड पेटल्स, ठीक है? कोरोला जो है किससे बनता है? कलरफुल पेटल्स से बनता है। देखो पेटल्स है ना, इसके ऊपर लाइंस लाइंस और पेटल्स, जो पंखड़िया बोलते हैं हम जिसे, ठीक है? और कोरोला है, ठीक है? ऑब्जर्व द शेप कलर एंड स्मेल ऑफ द कोरोला ऑफ वेरियस फ्लावर्स लाइक द रोज, है ना, हिबिस्कस, मोगरा, कनेर, टागर एक्सेट्रा। क्रिसेंथेमम, हिबिस्कस, मोगरा, कनेर, ये सब अलग अलग फ्लावर्स के नाम हैं, तो इसके भी आपको जो कोरोला है उसके लीव्स है उसको ऑब्जर्व करना है। एंड्रोशियम, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है? एंड्रोशियम, इट कंसिस्ट ऑफ स्टीमेंस, ईच स्टीमेन इज मेड अप ऑफ अनदर एंड फिलमेंट, ठीक है? देखिए ये एंथ्रोशियम है और यहाँ पर देखिए फ्लेमनेंट है, एंथॉर है ना, ठीक है? गेनोशियम, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है? गेनोशियम, दिस इज मेड अप ऑफ
कर्पल्स, देखिए यहाँ पर कर्पल्स है ना, अ कर्पल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरले, ठीक है, जो कर्पल्स है वो सिग्मा है, यहाँ पे जो ये पार्ट है वो, और स्टाइल, ये सब चीज़ों को मिला करके बनता है जो उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। टेक अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द हेबिकस फ्लावर विद द हेल्प ऑफ द शार्प ब्लेड बाय कटिंग द फ्लावर वर्टिकली फ्रॉम स्टिग्मा टू पेडिकल, ठीक है, स्टिग्मा टू पेडिकल जो है उसको वर्टिकली काटो आप। बोथ सेक्शंस ऑफ द फ्लावर विल बी सीन टू हैव द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर आप उसे बीच में से काटोगे तो उसको दोनों साइड में सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। आफ्टर मैच्योरिटी एंथर्स ब्रस्ट, ठीक है, जो एंथर्स है ये जो है ना, ये खुल जाते हैं, ब्रस्ट मतलब खुल जाते हैं, एंड द पॉलन ग्रेन्स विच आर रिलीज्ड फॉल ऑन द स्टिग्मा, ठीक है, फिर स्टिग्मा के ऊपर वो गिर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन, वो फुटके जब उसके ऊपर गिरता है तो उसे पॉलिनेशन बोला जाता है। ड्यू टू पॉलिनेशन ओवल्स मतलब एग सेल्स इन द ओवरी गेट फर्टिलाइज्ड, ठीक है, जो उसके एग सेल्स होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं, वो तैयार होते हैं इन द ओवरी टू गेट फर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड ओवल्स फॉर्म द सीड्स एंड द ओवरी डेवलप्स इन टू अ फ्रूट, ठीक है, फिर ओवरली जो है वो फ्रूट्स के माध्यम से तैयार हो जाता है। वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ हेबिकस फ्लावर, देखो ये एक पार्ट है, ये इसके बीच में ये वाइट वाला मिलेगा ओवरले में, फिर पेडिकल एक लेक्सी, इसको बीच में से काटोगे तो ये पार्ट मिलेगा आपको, ठीक है, राइट। ऑफ व्हाट यूज टू अ प्लांट आर द इंसेक्ट्स फ्लेटिंग अबाउट अराउंड इट्स फ्लावर, ठीक है, फ्लावर्स के आजू बाजू में जो इंसेक्ट्स घूमते हैं या उड़ते हैं उनसे फ्लावर्स को क्या फ़ायदा होता है। ऑब्जर्व द वेरियस फ्लावर्स एंड कम्प्लीट फॉलोइंग चार्ट, ठीक है, ऑब्जर्व करो उस अलग अलग प्लांट्स को और उसको बेसिस पे ये जो टेबल है उसे कम्प्लीट करो। नेम ऑफ द फ्लावर, ठीक है, नंबर ऑफ सेपल्स कितने हैं उसमें, सेपल्स फ्री यूनाइटेड फ्री है या यूनाइटेड है, नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं उसमें, पेटल्स फ्री है या यूनाइटेड है, नंबर ऑफ एंड्रोशियम एंड जिनोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम कितने हैं उसमें और जिनोशियम कितने हैं वो आपको देखना है और उसका लिस्ट बनाना है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर ये पत्ते हैं ये है उनके बीच में ये जो पार्ट है इन सब में क्या ऑब्जर्वेशन आपने देखा है वो आपको लिस्ट बनाना है, ठीक। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन अबाउट चैप्टर 2 ऑफ पेज नंबर 14 ऑफ द साइंस चैप्टर, ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द एक्सप्लेनेशन। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ एंड क्लिक ऑन द बेल बटन टू गेट द लेटेस्ट रिलीजेस फ्रॉम आवर एंड डायरेक्टली, ओके, एंड राइट, एंड आफ्टर दिस लाइक व्हेन यू सी देर विल बी अ लिंक टू अवर वेबसाइट, जस्ट विजिट दैट वेबसाइट, रजिस्टर विथ योर फ़ोन नंबर एंड यू विल बी एबल टू टेक स्मॉल टेस्ट, मैप योर प्रोग्रेस एंड डू लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज़ ओवर देयर। सो आई होप टू मीट यू ऑन द अदर हैंड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।